अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज श्रीनगर में शीतलनाथ मंदिर के द्वार भक्तों के लिए फिर से खुल गए। खास बात यह है कि यह प्राचीन मंदिर 31 साल बाद खोला गया है। वसंत पंचमी के अवसर पर जम्मू और कश्मीर के विभिन्न कोनों से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष पूजा का आयोजन भी किया गया। इतने वर्षों तक इस मंदिर की देखरेख मुस्लिमों ने की, इस बात का भक्तों ने काफी स्वागत किया। प्रभा साक्षी समानता से बातचीत में श्रद्धालुओं ने कहा कि कश्मीर में अब पूर्ण शांति है और सभी को यहाँ आना चाहिए। आइए आपको भी कराते हैं इस प्राचीन मंदिर के दर्शन और जानते हैं भक्तों की प्रतिक्रिया। मेरा नाम मीना हंडू है। मैं ये हम आए हैं इस बारी, आज बसंत पंचमी है का त्यौहार है और हम इस शीतलनाथ भैरव की आज के दिन बर्थडे सेलिब्रेट किया करते हैं। इनकी पूजा करते थे, हर साल करते थे। पिछले कई सौ सालों से ये पूजा इधर हुआ करती थी। यहाँ पता नहीं कितने साल, मैं कह नहीं सकती, जब ये शायद ये जब आइलैंड हुआ करता, सती सर इधर हुआ करता था, इधर एक आइलैंड पे ये पूजा हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे ये सारा बन गया, ज़मीन शमीन बन गई, तो अब मंदिर तो कई सालों से, तीन चार सौ सालों से यहाँ पूजा हुआ करती थी और हर साल होती भी थी, हवन होता था हर बार भी। 31 सालों से नहीं हुआ ये पूजा हुआ, आज 31 साल के बाद फिर से हमने शुरू किया, ये हवन करेंगे हम दोबारा। कि मेरा नाम उपेंद्र हांडू है, मैं जम्मू से आया हूँ और आज का दिन जो है, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो मनाने के लिए हम जम्मू से आए हैं। हमारा काफ़ी भाइयों का आने का प्रोग्राम था यहाँ आने का और वो यहाँ पे हमारे इस आज के वसंत पंचमी में तो जो शिरकत करना चाहते थे लेकिन मौसम की वजह से सारे लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन अब हमें आशा है कि अगले दिनों में या अगले महीनों तक फिर दोबारा हम ये प्रोग्राम करेंगे। एक बहुत बड़ा हवन का आयोजित यहाँ पे शीतलनाथ मंदिर में करेंगे। देखिए, बसंत पंचमी का जो है, आज जो शीतलनाथ भैरव मंदिर जो है इसका आज बर्थडे है, इसका जन्मदिन है आज। तो दूसरा बसंत इसलिए भी बोलते हैं बसंत पंचमी के, मतलब सर्दियों के बाद ये मौसम भी बदल जाता है और उसको बसंत पंचमी भी कहते हैं। तो ये बसंत ऋतु भी होता है। एक आज के दिन देखिए, कई भारत में काफ़ी जगह पे आज सरस्वती माता, उसका भी आज जन्मदिन मनाते हैं। लोग आज क्या करते हैं कि जितने अपने बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देते हैं। जो नया बच्चा होगा, अगर उसे शुरू करना होगा अपना काम, बच्चों ने पढ़ाई शुरू करनी होती है तो आज के दिन से ही उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मेरा नाम संतोष राजदान है, मैं जम्मू से आई हूँ। 31 साल के बाद खुला है ये मंदिर। आज बसंत पंचमी है हमारा, जो ये शीतलनाथ भैरव मंदिर है आज ये हमने 31 साल के बाद खोला। नो डाउट हमारे यहाँ पे पुजारी भी हमने रखा है, वो सुबह शाम यहाँ पे आरती करते हैं हर रोज़। तो आज बड़ा दिन है, बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी मीन्स कि जो मतलब जो गर्मी थोड़ी सी हो जाती है तो ठंडी कम हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे, इनका जन्मदिन है आज शीतलनाथ भैरव का, इसलिए हम यहाँ पे आ गए ये फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए। हमने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे साइड पे हवन भी चल रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। तो हमने ये आज ठान लिया था कि हम यहाँ पे आएंगे और ये जन्मदिन इनका सेलिब्रेट करेंगे। और हमारे जो ये अड़ोसी नेबर्स वगैरह है यहाँ पे, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया मंदिर खोलने में भी। और यहाँ पे एक जो हमारे मोहम्मदन भाई बहन है, उनमें से एक बंदा मोहम्मद अशरफ, वो यहाँ पे लुक आफ्टर करता है इस मंदिर को, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, आप आ जाओ, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। मैं रविंदर राजदान हूँ, मैं यहाँ शीतलनाथ का बसकिंदर हूँ, प्रॉपर बसकिंदर हूँ। ये शीतलनाथ मंदिर जो है भैरव की, ये सारी तरफ आप चारों तरफ ये जो प्रॉपर्टी देखोगे ये सिर्फ शीतलनाथ मंदिर की है। आपने ये हिंदू हाई स्कूल देखो, ये हमारी प्रॉपर्टी है। वहाँ पे एक और बड़ी बिल्डिंग है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। इसके टीयर केकर जो है ना, वो सारे सिर्फ शीतलनाथ के रेजिडेंट है। यहाँ पे 115 फैमिलीज रहती थी,
वही 115 फैमिली इसके हकदार है और वही इसकी केयर टेकिंग करते हैं। और जब इस मंदिर को जलाया गया उसके बाद ये अब 31 साल के बाद हमने फिर भैरवनाथ की कृपा से आज फिर खोल दिया है। यहाँ पे मेले लगते थे, इस आज के दिन यहाँ पे लोग दुकानें लगाते थे, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आते थे। हम चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही मतलब ये प्रोग्राम्स करें ताकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए और रहे यहाँ पे और ये चीज़ करें हम। यही